अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिप और मेडुसा के बीच में डिफरेंसेस, क्योंकि काफ़ी पॉलिप मेडुसा के बीच में डिफरेंसेस में डाउट्स रहते थे। मैं भी जब था नीट का पढ़ रहा था पिछले साल, तो काफ़ी डाउट्स आते थे कब पॉलिप कब मेडुसा, यार बहुत कन्फ्यूजन। आज याद करते थे कल पॉलिप मेडुसा में, मेडुसा पॉलिप में आ जाता था, ठीक है। इसलिए मैंने फिर जिस कहानी के तहत इस पॉलिप मेडुसा को याद किया, वो आप मेरे से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, सुनने के बाद यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इससे मुझे बहुत अपार खुशी होगी। देखिए, पहले पॉलिप मेडुसा, आपको इस बोर्ड पर अलग क्या दिख रहा है भाइयों? मैंने लिखा है सब कुछ, लेकिन आपको कुछ अलग दिख रहा होगा। वो अलग क्या दिख रहा है ये मैं देखा, एम मैंने एक अजीबो गरीब ढंग से लिखा हूँ, फिर एम लिखा हूँ आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। एक बार और एम लिख देता हूँ मैं, एक बार और एम लिख देता हूँ, एम आप भी लिखिए बार बार। क्यों लिख रहा हूँ? कैन यू गेस एनीवन? एनीवन कैन यू गेस? नो। देखिए एम, और ये क्या लग रहा है आपको? एम जैसा ही लग रहा है ना, यानी कि जो मेडुसा का स्ट्रक्चर वो ऐसे होता है, माउथ डाउनवर्ड्स ओपन होता है, अम्ब्रेला शेप्ड होता है, ठीक है ना। पहला तो क्या, एम शेप ऐसा है, तो इस तरह एम शेप ही होगा, और एम शेप में ये क्या है आपके, दो हाथ हो गए, ये दो पैर मान लीजिए, और ये माउथ हो गया, तो माउथ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स और एम शेप्ड है, मेडुसा से याद रहेगा आपको, ठीक है। अभी छाता शेप है, मैंने क्या बोला, अम्ब्रेला शेप है, तो अम्ब्रेला को तो आप ऐसे ऐसे घुमा भी सकते हैं, ऐसे ऐसे करके मस्ती जब सोचता है तो बारिश के दिन तो घुमाते हैं ना, ऐसे करके घुमा देते हैं अम्ब्रेला को, तो अम्ब्रेला मोबाइल है यानी कि, इसलिए क्या है, फ्री स्विमिंग है। अम्ब्रेला को हम लोग घुमा सकते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो अम्ब्रेला क्या हो गया, फ्री स्विमिंग है। जबकि आप पॉलिप में देखिएगा, ध्यान से पॉलिप देखिएगा, सुनते रहिएगा मेरी बातों को, और पॉलिप पर एक बार नज़र दोहराइए, पॉलिप जस्ट उल्टा होगा, उसके माउथ अपवर्ड होगा, ये फ्री स्विमिंग था, तो ये क्या होगा, सेसाइल होगा। यानी कि आप मेडुसा याद रखिए मेरे एम वाले ट्रिक से, और पॉलिप को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब आते हैं मैं उसके एग्जांपल्स पर, ध्यान से सुनिएगा। एक मेरे आपके घर में, मान लीजिए किसी घर में एक मेड है, सर्वेंट, ठीक है, उसका नाम क्या है, उषा, ठीक है। उषा आती है अपने घर में काम करने, बहुत दूर से आती है, दूर से आती है, इसलिए उसको कहाँ चलना, किस में ट्रेवल करना पड़ता है, मेरे भाई बहनों, बोलिए बोलिए, रेल में, ठीक है, सी हैज़ टू ट्रेवल विद इन द रेल, ठीक है। तो उषा को आना है तो क्या करना पड़ता है, रेल। उषा है कौन, मेरी मेड है, देखिएगा ध्यान से, मेड उषा क्या है, ये उषा, ठीक है, और ये रेल से ऑरेलिया, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। जबकि पॉलिप में क्या है, दो यहाँ पर हाइड्रा और एडम्सिया। मैं कभी से, आपने क्या सुना, एडम्सिया नहीं, मैंने बोला मैडम्सिया, मैडम मैडम, ठीक है। देखिएगा आप, कोई मैडम है, ठीक है, मैडम का क्या है, लिप सूखा जा रहा है, ठीक है। क्यों सूखा जा रहा है, क्योंकि पानी की कमी है, पानी उनको नहीं मिल रहा पीने से, वो पिछले 12 घंटे से बिना पानी की चल रही है, ठीक है। तो मैडम का लिप क्या हो गया, सूख गया है, क्यों, पानी की कमी के कारण। तो देखिएगा मैडम साहब क्या होगा, मैडम साहब को ये रिलेट करना है, ठीक है, एडम पानी से हाइड्रा और लिप से पॉलिप, ठीक है मेरे मित्रों। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और आपको कोई डाउट नहीं रहेगा पॉलिप मेडुसा में। प्लीज़ डोंट कीप एनी डाउट्स विद इन द पॉलिप एंड मेडुसा, ठीक है, थैंक यू।